आज तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप महासहयोग फोरम सम्मेलन की सह मेजबानी भी करने वाले हैं। कल शाम तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और उनके पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें जो हैं जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, पापुआ न्यू गिनी 14 देशों में से एक ऐसा देश जहां पर हम बात कर रहे हैं कैसे हिंद प्रशांत महासागर में ये देश काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, और अभी प्रधानमंत्री की जो वहाँ के गवर्नर जनरल बॉब डाडे हैं उनसे मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसका यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक कॉमनवेल्थ का ये सदस्य देश है और गवर्नर जनरल जो किंग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक बड़ी अहमियत इनकी है यहाँ के जो का जो राजनीतिक स्वरूप है उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं, हम लगातार इस बात की आजकल चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा है और जिस तरह से यहाँ एक्साइटमेंट है, जिस तरह से स्वागत हुआ है और यहाँ का खासतौर से राजनीतिक नेतृत्व तो इसको एक मोनुमेंटल फीच की तरह देख रहा है इस पूरी यात्रा को। हालांकि यहाँ पर सिपिक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे अपेक हाउस में जहाँ पे ये समिट होना है, तीसरा सम्मेलन। लेकिन निश्चित तौर पर एक एक जो कल हमने स्वागत देखा और उसके बाद एक बेहतरीन शुरुआत आज हुई है। आज इसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होगी, उनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होगी। अब जो पैसिफिक आइलैंड के 14 देश हैं जो फिपिक के सदस्य हैं भारत के साथ, उनके साथ भी सम्मेलन होना है। तो अहम एक बातचीत, एक अहम शुरुआत आज के दिन में, और पापुआ न्यू गिनी और भारत के कह सकते हैं साल अगले 2-3 साल में 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हो जाएंगे। लेकिन इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ये कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन अगर कोई समय है तो ये समय है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ की यात्रा पर आए हैं। और साफ तौर पर ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है सुधाकर कि यहाँ दोनों देशों के बीच जब हम MSMEs में सहयोग की बात करते हैं उस पर MOU साइन होने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर अहम है कि कैसे जो तमाम पासपोर्ट धारक हैं उनके लिए वीज़ा छूट समझौता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी कई ऐसे MOUs हैं जिस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले यहाँ के प्रधानमंत्री मरप्पन ने कहा भी था कि सुधाकर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, हम पोर्ट मोरेस्बी से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हम जानते हैं कि FIPC की अभी सह अध्यक्षता जो है उसकी मेजबानी प्रधानमंत्री करने वाले, आप देख सकते हैं कि जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ एक बार फिर गर्मजोशी के साथ मिलते हैं प्रधानमंत्री और कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको तोड़ा गया प्रधानमंत्री के लिए। और कल हमने देखा कि किस तरह से चरण स्पर्श कर जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया। ऐसा कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद किसी का भी इस तरह से स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है और उनका स्वागत किया गया। एक वैश्विक लीडर के तौर पर, वैश्विक गुरु के तौर पर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ और कई वैश्विक मंचों पर हमने देखा कि किस तरह से G7 में भी प्रधानमंत्री की बातों को मुखरता से सुना गया और तमाम इन वैश्विक मंचों पर भारत की साख बढ़ी। प्रधानमंत्री FIPC जो ये फोरम है, इसका गठन 2014 में किया गया था और इसकी आज जो सह अध्यक्षता और मेज़बानी करने वाले और तमाम जो गणमान्य हैं, तमाम जो उनसे जुड़े प्रमुख लीडर्स हैं उनके साथ मिलते हुए प्रधानमंत्री, तो आज का ये जो FIPC का सम्मेलन है ये बहुत अहम होने वाला है। तमाम वो 14 देश उसमें शामिल हैं जिसमें पापुआ न्यू गिनी है। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि भले ही 7 गुना छोटा देश है पापुआ न्यू गिनी भारत से, लेकिन रणनीतिक
आर्थिक और सामरिक लिहाज से भारत के लिए बेहद 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 अहम, और तमाम वो 14 देश जो 14 द्वीप हैं उनके साथ ये बैठक होनी है, और इस बैठक में बहुत अहम बातें निकलकर सामने आएंगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री ने जो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल हैं बॉब डाडे से मुलाकात की थी, और ऐसी उम्मीद जताई गई है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई है। सुधाकर, वापस आती हूँ अपने सवाल पर कि जिस तरह से ऐसा ही संभावना जताई जा रही है कि एमएसएमई खास तौर पर उन इस सेक्टर को लेकर एमओयू साइन होने की संभावना है, साथ ही हम ये भी जानते हैं सुधाकर कि पापुआ न्यू गिनी सामरिक और रणनीतिक लिहाज से और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद अहम साझेदार। बिल्कुल, देखिए दक्षिणी हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये द्वीप है, सबसे बड़े द्वीपों में से है, और एक समृद्ध इतिहास यहाँ का रहा है। हालांकि कई यूरोपीय देशों का भी यहाँ शासन रहा। भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते साल 1975 में यहाँ स्थापित हुए थे। माइंस के मामले में पापुआ न्यू गिनी एक साधन संपन्न देश माना जाता है। कई अहम खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो उस लिहाज से, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी देखें तो जो प्लेसमेंट है इसका वो काफी अहम है। और भारत की सोच का, भारत के प्रभाव का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिस तरह से बाहर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र को एक तरह से यहाँ रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित रहे, फ्री और इंक्लूसिव ये पूरा क्षेत्र रहे, और साथ ही साथ विकास की नई पायदान पर चढ़े, उसके लिए जो भारत कोशिश कर रहा है। और यहाँ की यात्रा से पहले हमने देखा कि डीडी न्यूज से बातचीत में यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ये सिर्फ उनका देश ही नहीं बल्कि इस आसपास के जो तमाम आइलैंड है वो प्रधानमंत्री मोदी को एक अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर मानते हैं। और खासतौर से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की जो विकासशील और जो अविकसित देश है उनकी आवाज को उठाते हैं, प्रमुखता से रखते हैं, तो उस लिहाज से बड़ी उम्मीदें हैं इस देश को आज इस प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से, बड़ी उम्मीदें। आप जो चर्चा कर रही थी कि कई अहम समझौतों की तरफ या एक तरह से कह सकते हैं रोड मैप की तरफ इन रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के मकसद से, तो चाहे फिफिक समिट के जरिए आइलैंड कंट्रीज को एक तरह से महत्व मिले उसमें लिहाज से, और पापुआ न्यू गिनी के लिए भी कई चीजों की एक नई घोषणा हो, रोड मैप हो बने, उस लिहाज से भी आज की जो बैठकें हैं काफी महत्वपूर्ण है। अब उनकी मुलाकात द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री मरापे के साथ होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नर जनरल से वो मिल चुके हैं, और उसके बाद फिपिक समिट जो तीसरा फिपिक समिट है उसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन 2014 में इसकी पहली बैठक हुई थी, हम जानते हैं अचल कुक आइलैंड, फिजी, किरबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रो